वीडियो में हम क्या देखेंगे, फार्मास्यूटिक्स के चैप्टर नंबर 6 में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका क्वालिटी कंट्रोल एंड क्वालिटी एश्योरेंस। पेपर में ये भी क्वेश्चन आता है, दोनों में डिफरेंस पूछ लेते हैं, क्वालिटी कंट्रोल क्या है, क्वालिटी एश्योरेंस क्या है। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम यही समझते हैं क्वालिटी कंट्रोल क्या है, क्वालिटी एश्योरेंस क्या है, इसका कॉन्सेप्ट क्या है, ठीक है, और ये क्या होती है। तो उससे पहले आप लोगों को ये वर्ड पता होना चाहिए क्वालिटी क्या है। तो क्वालिटी का मतलब होता है, बताओ कमेंट में बताना इसका मतलब क्या है। सिंपल सा क्वालिटी का मतलब होता है आपका कि ऐसा मटेरियल जो आप बना रहे हो वो पूरी तरीके से, उसमें कोई डिफेक्ट ना हो, कोई प्रॉब्लम ना हो, उसके अंदर क्वालिटी क्वालिटी हो, गुणवत्ता हो। क्या हो? गुणवत्ता। गुणवत्ता को क्या बोलते हैं हम? क्वालिटी। दूसरा नाम क्या है क्वालिटी का? क्वालिटी का मतलब भी होता है जीरो डिफेक्ट। क्या? जीरो डिफेक्ट, या बोले हम कस्टमर सेटिस्फिकेशन। कस्टमर सेटिस्फिकेशन, जीरो डिफेक्ट, और एक नाम और है फिटनेस फॉर यूज़। आप क्वालिटी के सिनोनिम बता रहा हूँ, फिटनेस फॉर यूज़, जीरो डिफेक्ट, और क्या है कस्टमर सेटिस्फिकेशन, एंड लास्ट डूइंग डूइंग थिंग्स राइट द फर्स्ट टाइम। मतलब आप ऐसा काम करो पहली बार में प्रॉपर हो, उसको बोलते हैं क्या? क्वालिटी। जैसे मान लीजिए मैंने ये मोबाइल बनाया, तो उस मोबाइल की ऐसी मैंने क्वालिटी बिल्डअप कर दी कि वो पहली बार इसमें ना तो कोई कमी है, जीरो डिफेक्ट हो गया, कस्टमर सेटिस्फाई है, तो कस्टमर सेटिस्फिकेशन हो गया। थर्ड पॉइंट क्या था मेरा? फिटनेस फॉर यूज़, यूज़ करने के लिए एकदम फिट है ये मोबाइल। और लास्ट पॉइंट क्या बताया था मैंने? डूइंग थिंग्स राइट द फर्स्ट टाइम, कि मैंने पहली बार ऐसा काम किया वो एकदम प्रॉपर है। इसी मटेरियल की मैं क्या बता रहा हूँ? उसकी क्वालिटी बता रहा हूँ। और क्वालिटी का मतलब, मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे, क्वालिटी का मतलब क्या है? गुणवत्ता, किसी मटेरियल की गुणवत्ता का पता लगाना, ठीक है, या गुणवत्ता उसके अंदर पाई जाना। अब नेक्स्ट वर्ड आता है क्वांटिटी। क्वांटिटी का मतलब होता है मात्रा, कितने अमाउंट है। क्वालिटी क्वांटिटी में बच्चे कन्फ्यूज रहते हैं, क्वालिटी मतलब गुणवत्ता और क्वांटिटी मतलब मात्रा। क्या मात्रा? मतलब काउंटिंग, 1 2 3 ऐसे करके। तो अब आपको क्या करना है, जो लोग नए हों सब्सक्राइब करना चैनल को, SNGP क्लासेस को, और लाइक करना, वीडियो को शेयर करना फ्रेंड्स तक, ताकि सारे बच्चों को। तो उसमें आज हम अंतर देख रहे हैं क्वालिटी एश्योरेंस और क्वालिटी कंट्रोल में। तो आप ऐसे समझो, मान लीजिए आपसे मैंने बोला कि आपको समोसे बनाने हैं। क्या बनाने हैं? समोसे बनाने हैं। तो समोसे बनाने के लिए आप क्या करोगे? आलू लोगे, मैदा लाओगे, ठीक है, रिफाइंड वगैरह लोगे, और जितना भी उसके अंदर मटेरियल डलता है वो सब लाओगे। लाओगे या नहीं लाओगे? तो अब क्या करेंगे, जब उसकी क्वालिटी हमें चेक करनी है, तो क्वालिटी चेक चेक कब होगी? जब मटेरियल बन जाएगा, जब जब समोसा बन जाएगा, जब, है ना, समोसा बनने के बाद ही तो उसकी क्वालिटी को आप क्या करोगे, पता कर पाओगे कैसी क्वालिटी है। और क्वालिटी एश्योर का मतलब क्या होता है? एश्योर का मतलब होता है पहले से आश्वासन देना कि ये मटेरियल जो हम बना रहे हैं एकदम प्रॉपर है, इसके अंदर कोई भी कमी नहीं है। दूसरा एग्जाम्पल अभी और दूंगा, इसके अंदर कोई कमी नहीं है, ठीक है। तो क्वालिटी एश्योर का मतलब होता है पहले से हम तय कर रहे हैं, जितना मटेरियल मैंने लिया, आलू हो बेसिक समोसे के लिए, या मैदा हो, या जितना भी रिफाइंड वगैरह, वो पहले से प्रॉपर हो, उसमें कोई भी एकदम प्रॉब्लम ना हो, पहले हमने एश्योर कर लिया, ताकि जो मटेरियल बनेगा वो फ्री फ्रॉम डिफेक्ट बने, उसके अंदर कोई यूज दिक्कत ना हो, ठीक है। अब बनने के दौरान सुनो, बात सुनना, क्वालिटी एश्योरेंस का मतलब क्या है? जब आपका वो मटेरियल बनना है, कोई ड्रग हो सकती है, कोई सिरप हो सकता है, कोई समोसे हो सकते हैं, कोई मोबाइल हो सकता है, कोई पेन हो सकता है, पेंसिल हो सकता है, तो जिस टाइम बनने के दौरान या बनने से पहले जो काम हो रहा है ना, जो काम चलाया जा रहा है, उसको बोलते हैं क्या? क्वालिटी एश्योर। गुणवत्ता पहले ही जाँच ली इसके अंदर, बाद में कोई कमी नहीं निकला है। अब उस प्रोडक्ट के बनने के बाद, समोसे बन गए, मोबाइल बन गया, पेन बना दिया मैंने, अब मैं उसके बनने के बाद, प्रोडक्ट के बनने के बाद उसकी क्वालिटी में चेक कर रहा हूँ, कहीं इसमें कोई शिकायत तो नहीं, कहीं इसमें कोई कमी तो नहीं, कहीं से कस्टमर नाराज़ तो नहीं है, तो उसको बोलेंगे क्या? क्वालिटी कंट्रोल। मतलब क्वालिटी का पता लगाना कि इसमें कोई क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज़ तो नहीं किया गया। एश्योर का मतलब पहले पता कर लेना, और क्वालिटी कंट्रोल का मतलब प्रोडक्ट बनने के बाद में पता करना, उसको क्वालिटी नियंत्रित करना। तो उस प्रोडक्ट को तो आप फिर ठीक नहीं कर सकते, मतलब नेक्स्ट प्रोडक्ट बनाओगे आप, उसमें वो कमी ना हो जाए, तब आप उसको फिर ठीक कर सकते हो। तो दोनों को हम डिफरेंस देख रहे हैं, ठीक है, एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है। हम अंतर देख रहे हैं क्वालिटी कंट्रोल में और क्वालिटी एश्योरेंस में। एश्योर का मतलब होता है आश्वासन देना, कंट्रोल का मतलब होता है नियंत्रित करना। तो राइट हैंड साइड पर क्या है हमारा? क्वालिटी कंट्रोल है, और लेफ्ट में क्या है आपका? क्वालिटी एश्योरेंस है। तो इसको मैं फोकस पर कर लूँ, यस। तो देखो पहला क्या है, जो क्वालिटी एश्योरेंस है उसमें क्या है? एम टू प्रिवेंट डिफेक्ट, मतलब इसका उद्देश्य क्या है? कमियों को रोकने का। इसमें क्या है? एम टू आइडेंटिफाई एंड फिक्स डिफेक्ट। इसका एम क्या है क्वालिटी कंट्रोल का? कि एम जो इसका उद्देश्य है वो पहचानना और डिफेक्ट की कमी निकालना, क्वालिटी एश्योरेंस का काम है। दूसरा डिफेंस क्या है? इट इज़ प्रिवेंटिव टेक्निक। प्रिवेंटिव का मतलब होता है रोकने वाली, और ये क्या है? इट इज़ करेक्टिव टेक्निक। प्रिवेंटिव का मतलब क्या है? रोकने वाली। ये टेक्निक वो टेक्निक है जो प्रॉब्लम को क्रिएट होने से पहले ही रोक देगी, क्या करेगी? ये उसको बाद में करेक्ट करेगी। तीसरा पॉइंट देखो इसमें, डिफाइन स्टैंडर्ड एंड प्रोसीजर दैट नीड टू बी अडेयर टू इन ऑर्डर टू मीट कस्टमर रिक्वायर। इसमें क्या है? इंश्योर दैट स्टैंडर्ड आर फॉलोड वाइल वर्किंग ऑन द प्रोडक्ट। मतलब जब इंश्योर करेगा ये, जब प्रोडक्ट आपका बन गया होगा, वर्किंग कंडीशन में हो गया होगा, जब आपको ये इंश्योर करके देगा, ठीक है। ये कब करेगा? ये कस्टमर को जितनी नीड है, रिक्वायरमेंट है, उसके आधार पर उसके स्टैंडर्ड बिल्डअप किए जाएंगे। नेक्स्ट क्या है? हेल्प्स बिल्ड प्रोसेस। इसमें क्या है? हेल्प इम्प्लीमेंट एंड एग्जिस्टिंग प्रोसेस। बता रहे हैं कि ये बनने के दौरान
इसमें काम करती है ये क्वालिटी एश्योरेंस, ये क्या करेगी जी, जब इम्प्लीमेंट होगी, जब आपका वो प्रोसेस हो चुकी होगी, एग्जिस्टिंग कर चुकी होगी जी, ये वाला काम जब होगा क्वालिटी कंट्रोल वाला, ठीक है। नेक्स्ट क्या है आपका पाँचवा, एक्टिविटीज़ आर डिटरमाइंड बिफोर प्रोडक्शन वर्क बींग एंड परफॉर्म वाइल द प्रोडक्ट इज़ बींग डेवलप्ड, बता रहे हैं कि जब इसकी एक्टिविटी जब परफॉर्म होंगी, जब प्रोडक्ट के बनने से पहले ही, स्टार्टिंग से पहले इसको स्टार्ट कर दिया जाएगा क्वालिटी एश्योरेंस को, भाई समोसा बनने से पहले ही चेक कर लेंगे आलू ठीक है सड़े गले तो नहीं है, चटनी अच्छी बनी है या नहीं बनी है, मतलब ऐसे करके, ठीक है। ऐसी सेम ड्रग का रहता है, ड्रग की पहले ही हम चेक कर लेते हैं रॉ मटेरियल प्रॉपर है या नहीं है, आप जो बफर यूज़ कर रहे हैं प्रॉपर है या नहीं है, बिल्डर जो आप बाइंडिंग यूज़ कर रहे हैं वो प्रॉपर है या नहीं है, ऐसे करके सारे मटेरियल को हम पहले करेक्ट चेक कर लेते हैं। इसमें क्या होता है आपका, एक्टिविटीज़ आर परफॉर्म्ड आफ्टर द प्रोडक्ट इज़ डेवलप्ड, जब एक्टिविटी परफॉर्म होंगी, जब प्रोडक्ट हमारा बन जाएगा, इसमें क्या करेंगे, प्रोडक्ट के बनने से पहले ही हमने इसको परफॉर्म कर लिया। नेक्स्ट, इट इज़ मैनेजरियल टूल, इट इज़ करेक्टिव टूल, मैनेजरियल टूल का मतलब मैनेज कर देगा, अगर ये प्रॉब्लम आ रही होगी तो इसके जो बंदे होंगे बताएंगे आपको इसमें प्रॉब्लम आ रही है, इसको मैनेज कीजिए आप, और ये क्या है, ये उसमें करेक्शन हो सकता है, वो भी नेक्स्ट बैच में, जब नेक्स्ट आपका फॉर्मुलेशन बनेगा, जब एक फॉर्मुलेशन बिगड़ेगा तो उसमें कोई करेक्शन नहीं होगा फिर। इट इज़ द नेक्स्ट, देखो सातवां, इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द कंप्लीट प्रोजेक्ट टीम, इसमें क्या होता है, एक पूरी कंप्लीट प्रोजेक्ट टीम होती है जो इसको प्रोसीड कराती है, अब इसमें देखो क्वालिटी कंट्रोल में, इट इज़ ओनली द ड्यूटी ऑफ टेस्टिंग टीम, इसमें क्या होगा, एक टेस्टिंग टीम आएगी वो टेस्टिंग करके चली जाएगी, उनकी ड्यूटी होती है। नेक्स्ट क्या है आठवां पॉइंट, कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ वेरीफिकेशन, ये वेरीफिकेशन कैटेगरी में आती है, ये किसके अंदर आएगी, कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ वैलिडेशन, वैलिडेशन बताया था सत्यापन करना, अच्छा जिन लोगों ने कैलिब्रेशन और वैलिडेशन का वीडियो ना देखा हो उसका लिंक मैं डाल दूंगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में, और जिसने प्रेसिजन और एक्यूरेसी वाला वीडियो ना देखा हो उसका भी लिंक मैं आपका कमेंट में डाल दूंगा, उसमें डिस्क्रिप्शन में देख लेना उसको भी आप लोग। नेक्स्ट पॉइंट क्या है आपका दसवां नंबर का, प्रिवेंट द अकर्स ऑफ इशू बैग्स और डिफेक्ट इन द एप्लीकेशन, इसमें देखो क्वालिटी कंट्रोल में, डिफेक्ट करेक्ट एंड रिपोर्ट द बग्स और डिफेक्ट इन एप्लीकेशन, ये प्रिवेंट करेगा, ये डिफेक्ट को पता करेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या करते हैं ग्यारह नंबर, डज नॉट इन्वॉल्व एक्सक्यूटिव द प्रोग्राम और कोड, इसमें क्या होगा, इन्वॉल्व एक्सक्यूटिव द प्रोग्राम और कोड, जो आपको सरल लगे वो आप वो पॉइंट तैयार कर लेना, डन बिफोर क्वालिटी कंट्रोल, क्वालिटी कंट्रोल से पहले किया जाएगा, डन आफ्टर क्वालिटी एश्योरेंस, क्वालिटी एश्योरेंस में अगर कोई वो आती है तो उसके बाद किया जाएगा, भाई क्वालिटी एश्योर पहले ही तो कर ली जाएगी क्वालिटी कंट्रोल से, सी ऐसे लिख दिया, इसमें क्या होगा कि क्वालिटी एश्योरेंस के बाद होगा क्या क्वालिटी कंट्रोल, इसका जस्ट अपोजिट कर दिया। नेक्स्ट सॉरी, ये हाथ से पकड़ने में दिक्कत होता है स्टैंड, तो एक लाख तो बनता है, एक हाथ से स्टैंड पकड़ा हूँ, एक हाथ से मोबाइल चला रहा हूँ। नेक्स्ट क्या है आपका, ह्यूमन बेस्ड चेकिंग और डॉक्यूमेंट्स और फाइल, इसमें क्या होगा, जो ह्यूमन है हमारे वो चेकिंग करते हैं डॉक्यूमेंट्स और फाइल का, इसमें क्या होगा, कंप्यूटर बेस्ड एक्सक्यूटिव ऑफ प्रोग्राम और कोड, इसमें कंप्यूटर में कोड और प्रोग्राम सेट कर देते हैं, उसके आधार पर पता लगाते हैं। नेक्स्ट चौदह नंबर पॉइंट, इज़ जनरली नॉट अ टाइम कंज्यूमिंग एक्टिविटी, मतलब इसमें ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग नहीं होता, इसमें क्या होता है, इट इज़ जनरली अ टाइम कंज्यूमिंग एक्टिविटी, क्वालिटी कंट्रोल में टाइम ज़्यादा लगता है, इसमें कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगता। नेक्स्ट क्या बता रहे हैं, ये मेक श्योर क्वालिटी टीम इज़ गोइंग द राइट टाइम राइट थिंग्स इन द राइट वे, मतलब इसमें ये श्योर मेक श्योर करना पड़ता है पूरी टीम को कि आप जो थिंग्स चेक कर रहे हैं वो एकदम राइट वे में है या नहीं है। इसमें क्या करते हैं, मेक श्योर दैट वॉट एवर द क्वालिटी टीम हैज़ डन एज पर द रिक्वायरमेंट, इसमें ये चेक करते हैं कि जो क्वालिटी टीम आई है आपकी चेक करने के लिए उसमें पर्याप्त रिक्वायरमेंट के आधार पर उसने वो चेक किया या नहीं है, उसमें मटेरियल वो पाया गया या नहीं पाया गया, इसमें तो उसको एश्योर कर लेंगे और वो जी देखेंगे हम काम सही कर रहे हैं या नहीं। इसमें क्या कर रहे हैं कि जो मटेरियल बन गया उसके अंदर क्या क्या रिक्वायरमेंट थी वो आपका श्योर है या नहीं है, उसके अंदर रिक्वायरमेंट को भी चेक करेंगे, ये जितनी रिक्वायरमेंट दी गई थी उस टीम के लिए। नेक्स्ट क्या, प्रोसेस आर प्लान टू प्रिवेंट डिफेक्ट, इसका ये एक ऐसी प्रोसेस है जो प्लान की जाती है कमियों को रोकने के लिए। इसमें क्या है, प्रोसेस आर प्लान टू डिस्कवर डिफेक्ट एंड फिक्स देम, ये एक ऐसी प्लान है, ऐसा षड्यंत्र है जिसमें आप डिफेक्ट को खोजते हैं पता लगाते हैं, इसमें रोक नहीं पाओगे आप कंट्रोल वाले में, कंट्रोल वाले में आप रोक पाओगे डिफेक्ट वाले जो एश्योर वाले में, बट इसमें क्या करो आप उसको खोज पाओगे और खोजने के बाद आप उनको ठीक कर पाओगे। तो ये हमारा आज का लेक्चर था किसका, क्वालिटी कंट्रोल का, क्वालिटी एश्योरेंस का। क्वेश्चन आएगा आपका नंबर 3 में भी आ सकता है, नंबर 10 में आ सकता है, और बीफॉर्म वालों के में 7 नंबर में आ सकता है।